रूनवाल फॉरेस्ट सोसाइटी के सेक्रेटरी संतोष श्रीवास्तव और सूर्या देवपुरिया के खिलाफ पवई रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का एल्गार मोर्चा। अवैध हफ्ता वसूली बंद नहीं की गई तो किया जाएगा सख्त आंदोलन। अनिल यादव अध्यक्ष पवई रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन। संवाददाता द्वारा निबंधक और पुलिस प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर कौंजूर मार्ग के रूनवाल फॉरेस्ट सोसाइटी के सेक्रेटरी संतोष श्रीवास्तव और सूर्या देवपुरिया प्रॉपर्टी डीलर से अनाधिकृत पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जिसके विरोध में पवई रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सोसाइटी के विरोध में मोर्चा निकाला गया। पवई रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि सोसाइटी प्रॉपर्टी डीलर से जो पैसे मांग रही है वो हमारे कानून के खिलाफ है और पुलिस प्रशासन को इसके खिलाफ हफ्ता वसूली का केस दर्ज कर कार्यवाही करना चाहिए। सोसाइटी का कहना है कि अगर ब्रोकर को रूनवाल सोसाइटी में काम करना है तो साल का 10,000 मेंबरशिप फीस, फ्लैट बेचने पर 15,000 और भाड़े पर देने के लिए सोसाइटी को 5,000 देना होगा। पवई रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अनिल यादव का कहना है कि सभी ब्रोकर रूनवाल फॉरेस्ट सोसाइटी को आई कार्ड, उनका मेल, कंपनी की ईमेल आईडी सब देने को तैयार है, लेकिन सोसाइटी एक भी नहीं सुन रही है। सोसाइटी के खिलाफ सभी ब्रोकर ने कोकण भवन में जाकर शिकायत की थी, जहां से कोकण भवन ने सोसाइटी के खिलाफ और ब्रोकर के पक्ष में आदेश दिया है तथा सोसाइटी के मनमानी वसूली पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। कोकण भवन का कहना है कि ऐसा सरकार की तरफ से कोई पत्र नहीं जारी हुआ है। क्या ब्रोकर से अनलीगल पैसे मांग सकते हो? अगर यह है सरकार के रूल में नहीं है तो सोसाइटी के ऊपर जबरन हफ्ता वसूली, मानसिक त्रास और खंडनी का केस लगना चाहिए। और अगर सोसाइटी ये हफ्ता वसूली बंद नहीं करेगी तो मुंबई में सभी प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा मोर्चा आयोजित किया जाएगा। पवई रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि अगर सोसाइटी अपना रवैया नहीं बदलेगी और पुलिस सोसाइटी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी तो अनिल यादव अपने सहयोगियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक, पीआरएसएस न्यूज, पीएस मेट्रो और मेट्रो न्यूज दिनांक में आपका सभी का स्वागत है। आज हम भांडू पीएस वार्ड के अंतर्गत रनवाल बीआईपी सोसाइटी हाई राइज बिल्डिंग में खड़े हैं, जहां पे पवई रियल इस्टेट एसोसिएशन द्वारा आज रनवाल सोसाइटी के खिलाफ और बिल्डर के खिलाफ एक जन आक्रोश आंदोलन किया गया है। इस आंदोलन में को संचालित यहां जो एसोसिएशन के अध्यक्ष यादव जी हैं वो कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस सोसाइटी के माध्यम से कोई भी फ्लैट खरीदी बिक्री अगर किया जाता है तो एक घूस के तौर पे 25,000 से 50,000 रुपए की रकम रिश्वत के तौर पे मांगी जाती है, जिसकी शिकायत एसोसिएशन ने कोकण आयुक्त और महानगर पालिका और कलेक्टर ऑफिस को दिया है। हम जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों का ये जो वाद विवाद का जन आक्रोश आंदोलन है, ये बताइए सर कि आपका नाम क्या है और ये आंदोलन किस लिए किया? मैं ब्रोकर एसोसिएशन से हूँ, मेरा नाम आरके सिंह है, माई कंपनी आरके रियल्टी। रूनवाल फॉरेस्ट में कुछ सेक्रेटरी चेयरमैन नए आए हैं, देखिए अभी आ रहे हैं बदतमीजी के लिए, उनके आदमी आ रहे हैं, वो हमसे रेंटल फ्लैट पे परचेस करने पे, सेल करने पे हमसे पैसे का डिमांड कर रहे हैं। पैसे की डिमांड छोटी मोटी नहीं, 5, 10, 15, 20, 25,000 रुपए का डिमांड कर रहे हैं। सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो कि इसी तरह ये है, सोसाइटी को इसके लिए यहाँ पे कलेक्टर बैठाना जरूरी है।